नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कश्मीर घाटी बीते एक लंबे समय से वहां पे अशांत माहौल बना हुआ है। वहां पर शांति बहाली के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कहा है कि संविधान के दायरे में रह के वो हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। खुद गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर के दौरे पे हैं और एक महीने के अंदर ये उनका दूसरा दौरा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं किस प्रकार से घाटी, जिसको कि जन्नत के तौर पे हिंदुस्तान में जमीन की जन्नत के तौर पे जाना जाता है, वहां पे माहौल को शांत कराया जाए। तो जाहिर सी बात है तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहां पे बातचीत के माध्यम से रास्ता आगे निकलेगा कैसे, क्या वो और कोशिशें हो सकती हैं, अभी वर्तमान तक के केंद्र और राज्य सरकार के जो तमाम प्रयास हैं उससे क्या कुछ हासिल हुआ है, और बातचीत का जो रास्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए लगातार तमाम बैठकें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, उससे आगे का रास्ता निकलता कैसा है। तो जाहिर सी बात है दो टूक में यह सवाल उठता है कि आखिर आगे का रास्ता निकले कैसे। तो इन जो सवाल उठते हैं उन पर हम आज बात करेंगे। और क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल, केंद्र सरकार के संजीदा प्रयासों के बाद क्या अब कश्मीर से जुड़े सभी पक्षों को संविधान के दायरे में समाधान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जो बात पीएम मोदी ने कही है सर्वदलीय बैठक के बाद में, या बात उन्होंने कही है तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के बाद में कि संविधान के दायरे में इस समस्या का हल निकलना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे, क्या इंसानियत जमहूरियत के रास्ते पर चल रही केंद्र सरकार को शांति स्थापित करने के लिए कश्मीरियत की मदद मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो बात जमहूरियत इंसानियत कश्मीरियत का जिक्र वाजपेयी साहब ने किया था, जिसपे आगे बढ़ने के लिए पीएम मोदी ने भी कई बार जिक्र किया है, उस पर किस तरीके से वहां कश्मीरियत का या कहा जाए हर आमो खास का वहां पर सहयोग मिलेगा, तो यह जानना जरूरी है। तो दो टूक में आज इसी मुद्दे पे बात की आखिर आगे का रास्ता निकलता कैसे। इस मुद्दे पे बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में मौजूद है राजीव वोरा साहब, कश्मीर को अक्सर जाते रहते हैं, वहां को वहां की समस्याओं के नजरिए से जानते हैं, वहां के लोगों के सुझावों के माध्यम से कुछ सुझाव भी वो हमको देंगे, उसको भी समझेंगे। दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब है, आप भी उस समस्या के समाधान के लिए लगातार अग्रसर हैं, बातचीत के बीच में भी आप मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या कुछ चीजें चल रही हैं सरकार के स्तर पे आपसे बेहतरी से समझेंगे। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ में सुशील पंडित जी हैं, सुशील पंडित जी भी कश्मीर के मसलों को अच्छी तरीके से समझते हैं, बारीकी से नजर रखते हैं। राजीव जी सबसे पहले आपसे, आपको लगता है कि तमाम तरीके से संजीदा प्रयास केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, क्या और कुछ करने की जरूरत है, और वर्तमान अभी तक के प्रयासों से क्या कुछ हासिल होता नजर आ रहा है? देखिए इस समय की स्थिति 2008 और 10 से अलग है 2016 की, और अभी आप कह रहे हैं तमाम प्रकार के प्रयास जी, तो प्रयास तो अभी शुरू हुए हैं। देखिए हमें कुछ चीज़ें साफ स्वीकार करनी चाहिए, 45 दिन से ज़्यादा हो गए, बहुत हिंसा हुई है वहाँ पर जी, और बहुत भुगता है, और कश्मीर ने इसके पहले भी बहुत भुगता है, और कश्मीर का मतलब है कश्मीर के अलग अलग समुदायों ने, एक ने भुगता है तो दूसरे ने भी भुगता है, लेकिन उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं जी, वर्तमान और दूसरा ये है कि हाँ और वर्तमान है उसके पीछे वो 70 साल का बोझ भी पड़ा हुआ है, और इनकी सरकार 2 साल से आई है, ये भी हमें ख्याल में रखना चाहिए इन लिमिटेशंस को। दूसरा कि इस बोझ के अलावा, 17 साल के बोझ के अलावा, उसमें जो भी कश्मीर की पॉलिटिक्स को, राजनीति को, उसकी डेमोक्रेसी को जितना शॉर्ट सर्किट किया गया है, उसकी सारी मेमोरी और उसके सारे अनुभव और उसके सारे दर्द, उसके बावजूद भी जब वाजपेयी जी ने वहां जाकर के ये कहा कि ये इंसानियत के दायरे का मसला है, संविधान के दायरे का मात्र नहीं, तो ये फर्क को भी समझना पड़ेगा। इसलिए जब ये बात फिर से उठाई गई है कि इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत, तो इसमें सबसे ये क्रम भी यही है, अगर इंसानियत अगर हम पहले उसका प्रमाण पैदा कर देंगे, क्योंकि आग इतनी बड़ी लगी है तो आग आग से तो नहीं बुझती ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से प्रयास करने नहीं होंगे, कर सकते, और जो कोशिशें लगातार की बजाय कमर आगा साहब, आपको लगता है कि बातचीत का जो एक प्रयास लगातार आगे बढ़ा है, समस्या ठीक है विकराल है, कम है छोटी, उसके अपने अपने अलग पैमाने हैं, लेकिन जो समस्या के समाधान के लिए कोशिशें की जा रही हैं, शांत माहौल बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप भी उसमें कई बार शरीक हुए, आपको लगता है कि इन प्रयासों से क्या हासिल और कैसे आगे का रास्ता निकलता है? देखिए पहली बात तो ये है कि बातचीत ही के जरिए मसला हल हो सकता है और कोई दूसरा मसला नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी इच्छुक नज़र आती है। मैं 2 बार राजनाथ सिंह साहब से भी मिला इस मसले को लेके, वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे, उन्होंने कहा भी कि मैं हर तरह की कोशिश करना चाहता हूँ, हर तरह से चाहता हूँ कि समस्या दो चीज़ों की है,
एक तो रसाम ने अभी जिसका जिक्र किया कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया है, उसको एक साइकिल बन गया है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है, टूट ही नहीं रहा है। एक तरफ लड़के हैं जो लगातार पत्थर फेंक रहे हैं सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी उनके जवाब में पैलेट गन्स यूज़ कर रही है। अगर पैलेट गन्स, मंत्री महोदय का कहना ये है कि हम लोगों ने कहा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल न किया जाए, कुछ और किया जाए, तो उनका पैलेट गन नहीं होगा तो दूसरी बंदूक का इस्तेमाल होगा, सेल्फ डिफेंस में ये लोग यूज़ करेंगे, कैजुअल्टी और बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा मूवमेंट जो है इसमें सबसे बड़ी समस्या है, इसका कोई लीडर ही नहीं है, ये लीडरलेस है, और जो इसके लीडर हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं जी, या पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं यहाँ कश्मीर के अंदर, वो लोग कोई इसके बारे में कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी मेरा मतलब हुर्रियत है। और तीसरा स्टेक होल्डर है वहाँ पे जमात इस्लामी जी, जो वहाँ की संस्था है, वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आती और उस वो भी चाहती है कि ये चलता रहे। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, इसको तोड़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी, राजनाथ सिंह स्वयं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है जी। एक बड़ी बात मैं यहाँ पे बस कहना चाहूँगा कि वो बात सही है कि जमहूरियत और इंसानियत की बात की गई, और सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीरियत की भी बात की गई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कश्मीरियत जो है वो वहाँ पर रिप्लेस हो गई इस्लामियत से, और इस्लामियत जो वहाँ पर जो उनका इस्लामियत का कंसेप्ट है उसमें न तो जमहूरियत है और न बहुत ज़्यादा इंसानियत भी नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है जी, और इस फर्क को शायद वहाँ की आवाम को समझना जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। लोग ज्यादातर चाहते हैं कि अमन शांति आए, अधिकतर लोग इसी फेवर में हैं, लेकिन ये कि किसी भी शहर की या किसी भी एरिया की अगर आपको इस पीस और स्टेबिलिटी को भंग करना है तो 85 आदमी काफी होते हैं, 50-60-100 आदमी काफी। सही बात, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग अमन पसंद करने वाली स्थिति में हैं। तो सुशील जी, आपको लगता है कि लगातार कोशिश है, खुद इस समय गृह मंत्री गए हुए हैं, ये एक महीने में उनका दूसरा दौरा, इससे पहले रक्षा मंत्री भी गए, संवाद के तमाम कोशिशें की गई, सर्वदलीय बैठक हुई है, विपक्षी नेता खुद आके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हर जगह से एक सुर में ये बात आई है कि हाँ हम तैयार हैं, आइए बात करिए, संविधान के दायरे में हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आपको लगता है कि कितना कुछ चीजें हासिल होती नजर आ रही? देखिए, कोशिश हो रही है ये अपने आप में थोड़ा बहुत सांत्वना देती है, लेकिन मैं कमर साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो वस्तुस्थिति है, जो सत्य है, ज़मीन पर जो दिखाई पड़ता है, उसको सही सही पढ़ने में भी लोग गुरेज करते हैं, और इन्होंने बहुत साफ साफ उसे पढ़ा कि वहाँ जमहूरियत, कश्मीरियत, इस सब को साफ कर दिया गया है एक आंदोलन के माध्यम से, और जो आंदोलनकारी सड़क पर हैं वो जमहूरियत के दायरे में कुछ आपसे मांग रहे हो, ऐसा नहीं है, वो कश्मीरियत को लेकर के आपसे कुछ चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, वो संविधान में कोई परिवर्तन चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, वो किसी मांग पर अड़े हुए हो जो उनकी सड़क से, बिजली से, नौकरी से, आर्थिक बहबूदी से, या किसी और सोशियो कल्चरल इशू पे, ऐसा भी नहीं है। ये एक इंसरक्शन है, एक पृथक्तावादी आंदोलन है जो पाकिस्तान से प्रेरित है। अब पाकिस्तान की उसमें सीधे सीधे भूमिका की भी आवश्यकता नहीं रही, उन्होंने उसे इतना तैयार कर दिया है कि वो अब अपनी बूते वहाँ पर उन प्रॉक्सीज के माध्यम से चल रहा है, चलाया जा रहा है, और यहाँ तक के हुर्रियत के नेता कहते हैं कि अब ये हमारी पकड़ के बाहर है, हम अगर बाहर निकलेंगे तो हम भी पीटे जाएंगे, ऐसी स्थिति पहुंच गई है। और जो नेता यहां आकर के आपस में बात करते हैं जी, वो वहां घरों से निकल करके उन लोगों के बीच जाने की स्थिति में नहीं है जिनसे वो वोट पाकर के नेता बनते हैं। तो स्थिति ये है कि आप बात किससे करेंगे और बात किस बात पर करेंगे। दायरों से ऊपर उठ करके एक नए दायरे में चला गया है ये आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालना ही होगा, शायद वही कोशिश करती लगातार सरकारें नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार दो टूक में ये बातचीत जारी रहेगी कि किस प्रकार से इस सारी समस्याओं के बीच में भी, इस प्रकार के माहौल के बीच में से भी रास्ता तो खोजना है, हल निकालना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, वो रास्ता कैसे जाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए पेश है नए युग का नया महिंद्रा यूवो, इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे।
इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल कुमार, मेजर प्रफुल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में, टफ था, JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच आर द कंपनी लेट्स यू डू दैट। हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर, भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। राजनीतिक स्वाधीनता या आजादी तो हमने 70 साल पहले प्राप्त कर ली थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज भी हजारों विदेशी कंपनियां साबुन, शैंपू, क्रीम, टूथपेस्ट व कोल्ड ड्रिंक्स आदि बेचकर देश की आर्थिक लूट कर रही है। आइए हम सब देशभक्त भारतीय इस स्वाधीनता दिवस पर पतंजलि के स्वदेश अभियान से जुड़कर देश को आर्थिक लूट व गुलामी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लें। वंदे मातरम। उतार दे, छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी, ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं, अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज किसी भी आपात स्थिति में 100 नंबर डायल करने पर 20 मिनट में पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दो टूक और आज हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर की घाटी के इलाके में किस प्रकार से लंबे समय से एक अशांत माहौल है, उसको शांत करने के लिए, वहां पे नॉर्मल लाइफ को लाने के लिए किस प्रकार से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और उस मुद्दे पे बात करने के लिए 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपको लगता है कि क्या वो चीज़ है, क्योंकि बात होती है सरकार आपने अपनी खुद से चुनी है, आप विकास की बात करते हैं, विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं, आप फंड की बात करते हैं, फंड रिलीज करने की बात की जा रही है, हर वो कोशिश जो एक चुनी हुई जमहूरियत में सरकार कर सकती है वो कर रही है। मैं राज्य सरकार के बारे में भी कह रहा हूँ, केंद्र सरकार के बारे में भी, और क्या वो प्रयास जो अपेक्षित हैं? देखिए, ये मोदी जी ने भी जो एक बड़ी बात कही थी पिछले दिनों, 3 दिन पहले, वो ये थे कि ये केवल विकास से सुलझने वाली समस्या नहीं है, लेकिन बातचीत से सुलझने वाली समस्या है जी। है ना? तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय जो माहौल है, इसमें विकास वगैरह की बात को थोड़ा सा पीछे रख करके ये जो प्रयास राजनाथ सिंह जी ने वहां जाकर के करने की कोशिश, वे दरवाजा हम खटखटाएंगे, एक बार नहीं खोलोगे, हम दूसरी बार खटखटाएंगे, अपने लोग हैं ये सारी जो यहाँ बात की है, इसके बावजूद भी लोग अपने हैं, ये हम कह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, और कश्मीर के लोग चाहते हैं ये कि भाई कोई, ये तो हिंदुस्तान में, दिल्ली में हमारी चिंता करने वाला कोई है कि नहीं? आज उनको ये लगता है कि हमारी चिंता करने वाला कोई है नहीं। ये अगर भरोसा मिले, ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो कि नहीं आपके दुख में हम शामिल हैं, हम दुख दूर करना चाहते हैं, ये पहली हमारी जिम्मेवारी है। राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जो भरोसा बहाली की, आपको ये बता जी जी कि ये करने में हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान के नेता सक्षम है, राजनाथ जी सहृदय व्यक्ति है, वो ये करने में सक्षम है, और उनसे ये उम्मीद बनती है कि वो वहां जाके इस प्रकार का माहौल बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कोई भी काम होता है ना जी,
उसका सही परिणाम मिले बिना नहीं रहता। ये देश का ये इतिहास है, नहीं तो गांधी जी का आंदोलन असफल हो गया होता इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ, इतनी बड़ी वायलेंस के खिलाफ। और कश्मीर है वो उसकी सरजमी दूसरी है। आज जो हमें दिख रहा है वो तो बहुत रिसेंट फिनोमिना है। अगर इसका जो परपेक्चुअल फिनोमिना है, उसका जो सनातन, उसका जो स्वभाव है कश्मीर का, वो तो प्रेम का स्वभाव है। कश्मीर का जो कश्मीरियत हम कहते हैं, इससे कोई दो राय नहीं रख सकता, उसको छूना पड़ेगा, तभी वो इंसानियत के दायरे में बात होगी। और जो आज जमहूरियत की बात नहीं करते हैं, हम तो करेंगे ना जी। जिस इंसानियत की आप बात करें कमर आगा साहब, क्योंकि बात महज अभी के उपजे हुए माहौल की नहीं, अगर हम पहले से बात करें, केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार दौरा किया, जब वहां सैलाब आया तो किस प्रकार से वो खुद गए, दीपावली के मौके पे गए, तो जो एक विश्वास बहाली, एक रिश्ता कायम करना, राफ्ता बनाना, इस प्रकार की कोशिशें हमने डे वन से देखी है, कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं। अभी क्यों एक प्रकार से विश्वास बहाली को लेकर फिर से वो प्रयास को शुरू से शुरू करने की बात की जा रही है, तो राफ्ता तो है नहीं, कई चीज़ें हो गई। असल में हुआ ये कि बीच में जो छः महीने का गैप हो गया, चार छः महीने का गैप, कोई सरकार नहीं थी, प्रेसिडेंट रूल था, उस पीरियड में इस किस्म के तत्व काफ़ी एक्टिव हो गए। दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों की, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मूवमेंट तभी इमर्ज होते हैं जब पॉलिटिकल लीडरशिप, रूलिंग और अपोजिशन दोनों कमज़ोर हो जाती है, तभी ये मास मूवमेंट इस तरह के इमर्ज हो जाते हैं। लड़का यूथ कूद पड़ता है, जैसे हमने देखा कांग्रेस के दौर में दो साल पहले, जिस तरह के निर्भय के ऊपर लेके स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पूरे चीजें आ जाती हैं, वो तभी होता है जब दोनों अपोजिशन और रूलिंग से उम्मीद नहीं रह जाती। तो एक समस्या बड़ी, ये बड़ी बात है, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने लगातार दो बार अपोजिशन से वहाँ की बात की है, अभी भी बात की, इससे पहले भी बात की, फिर नेशनल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं दिल्ली की, उनसे भी बात की, उन्हीं ने ऑल अपोजिशन पार्टीज़ के साथ बातचीत की, फिर राजनाथ सिंह लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुआ। लेकिन ये कि सारे प्रयास के बाद भी सिचुएशन का ना हाथ में आने की बात है अभी तक जो दिख रही है, कि ये लोग, या तो ये बात है, ये दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये लोग अभी तक अपोजिशन वहाँ बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा। मैं समझता हूँ इस विजिट के बाद, राजनाथ सिंह की विजिट के बाद, वो गए हैं वहाँ अपोजिशन से मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं सब लोगों से, तो उसमें जब तक सब नहीं लगेंगे, रूलिंग अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक वहाँ पर सिचुएशन नहीं होगी। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है ये, इसकी है, एक बार अगर ये प्रॉब्लम, समस्या किसी सूरत से रुक जाती है, वायलेंस रुक जाती है, तो फिर लॉन्ग टर्म तो बड़ा लंबा प्लान है वहाँ पे, इसलिए कि फ्लड रिलीफ का भी पैसा जाना है, डेवलपमेंट पैकेज का भी प्रधानमंत्री ने स्वयं बात की है, वो तो फिर 80,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज के लिए दिया है, वो सारी चीज़ें हैं अपनी जगह। लेकिन ये है कि ये इमीडिएट जो है करना, वो जैसा कि वोरा साहब ने कहा कि बातचीत का दौर शुरू हुआ है, तो मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी, इसलिए कि राजनाथ सिंह स्वयं बहुत इंटरेस्टेड है, दरवाजा खटखटाया है कई बार, तो शायद कभी ना कभी तो खुलेगा और बात निकलेगी, खुलेगा, इसलिए कि ये मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट बहुत दिन चलते हैं, अगर एक बार कोलैप्स होते हैं तो फिर इनका रिवाइवल। सुशील जी, आपको लगता है कि जो कोई भी तथाकथित रूप से इस प्रकार के आंदोलन को पीछे से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राज्य की आवाम, वहाँ के लोग इस बात को नहीं देख रहे कि नुकसान आम लोगों का है, ना कि उन जैसे लोगों का जो इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जनता भी वहाँ की सब चीज़ों को देख रही होगी, समझ रही होगी, उनको भी अपने घर में रोटी चलती हुई चाहिए, उनको भी चाहिए कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट आए, हमारे सड़क के किनारे तक विकास कहीं ना कहीं नजर आए, क्या ये चीज़ें भी आम जनता के बीच में वहाँ डिस्कस होती हैं कि ज़्यादातर लोग विकास जैसी चीज़ चाहते हैं, कुछ तन छोटे से लोग जो हैं जो सब चीज़ों को हवा दिए हुए हैं। आप सही कह रहे हैं, लोग शांति से रहना चाहते हैं, लोग अपने परिवार में जान माल अंग की हानि नहीं देखना चाहते, और अगर ऐसे कुछ लोग आज हैं कश्मीर में तो उनकी हालत समझ लीजिए क्या है, 36 में से 33 थाने खुले पड़े हैं जहां पुलिस नहीं है, ऐसी अराजकता है भूमि पर। तो जो तत्व आज आंदोलन में भी लिप्त नहीं है, जो राज्य से सुरक्षा चाहते हैं, वो कहां जाएं? व्यवस्था के नाम पर चीजें चौपट हैं जी, दक्षिण कश्मीर के चार जिलों में पुलिस वर्दी पहनकर बाहर निकलना नहीं चाहती, और अगर वर्दी पहनकर बाहर निकलते हैं तो चेहरा ढकते हैं। अगर पुलिस इतनी आतंकित है तो उन लोगों को आतंक से कौन बचाएगा, जबकि वो वहीं के बाशिंदे नहीं है, जिस पुलिस का जिक्र कर रहे हैं वो वहीं के बाशिंदे हैं, वो वही लोग हैं जो कश्मीरियत का हिस्सा है। इसीलिए
और ये चीज इस भारत सरकार ने, इसी देश ने पंजाब में भी देखी थी, जब पंजाब के पुलिस के लोगों को अपने रिश्तेदारों को बचाना मुश्किल हो गया था क्योंकि उनको फिरौती के लिए पकड़ लिया जाता था जी। तो भारत ने ये दौर देखा है और आज वहां पर यदि व्यवस्था चरमराई है, यदि वहां की नौकरशाही में पूरी शिथिलता है, वहां की पुलिस डिमोरलाइज्ड है, वहां पर सीआरपीएफ को हटा के बीएसएफ को लगाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए राज्य विहीन है वो राज्य इस समय, व्यवस्था विहीन है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो बातचीत शुरू करने से पहले आपको अपने पांव के नीचे जमीन ठीक करनी पड़ेगी ताकि आप उस पर खड़े होकर के कुछ बात करने लायक बन सकें। इस वक्त स्थितियां बहुत खराब हैं। तो शायद वो कोशिश की। राजीव जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार के एक मनोबल को टूटने का जिक्र सुशील जी ने किया जी। जाहिर सी बात है संयम बहुत बढ़ता गया क्योंकि 5-6 हजार के आसपास जो सुरक्षा कर्मी है, जिसमें पुलिस के कर्मी भी हैं, सुरक्षा बल भी है, सीआरपीएफ भी है, वो भी घायल हुए हैं। संयम बढ़ता गया, बहुत चीजें की गई। इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि सरकार केंद्र की ओर से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई संयम के साथ में हम आपको रोकना भी चाहते हैं लेकिन बातचीत से हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या उपाय आपको नजर आ रहा है? देखिए, तीन प्रकार के उपाय कश्मीर की कुल स्थिति को देख करके होने चाहिए। एक तो जो आपने कहा ना, एक तो शॉर्ट टर्म है, दूसरे लॉन्ग टर्म है और तीसरे सिविलाइजेशनल लेवल के होते हैं। शॉर्ट टर्म जो है उसमें तो वहाँ के लोग जो कह रहे हैं उसी को आधार मान के चलना चाहिए क्योंकि जो भुगतता है हिंसा उसकी बात माननी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए दरवाजा खटखटाना ये सबसे बड़ी और सबसे अहम जरूरत है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट बिल्डिंग की जो बात हुई ना कि कश्मीरी, मेरा जो 6 साल वहाँ लगातार जाने का और कम से कम 22-25 डायलॉग एक दो दिन तीन तीन चार चार दिन के किए होंगे अलग अलग स्तर पे, कश्मीरी जो भरोसे में ट्रस्ट से आपके सामने खुल करके आता है वो कश्मीरी वो नहीं है जिसको हम मीडिया से, पॉलिटिक्स से या टूरिज्म से जानते हैं। ये साफ समझ लेना चाहिए। इसलिए इनका अगर भरोसा जीता गया तो आप देखेंगे कि वो कश्मीरी बिल्कुल अलग है, उसके अंदर की भीतर की बात कोई और है, जो सामने दिख रही है वो शायद नहीं होगी ये बात। ये मुझे, मैंने देखा ये बात, ये आपके अपने अनुभव से समझ के, आप इस अपने अनुभव से, 3-4 साल तक जो लोग हमारा नहीं भरोसा करते थे, जो लोग हमें शंका की दृष्टि से देखते थे, हमें लगता था कि हमें वॉच कर रहे हैं, आज हमसे इतने भरोसे से बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारे इतने अपने करीबी लोग हैं। लेकिन उनकी शिकायत है, जो डेमोक्रेसी हम यहाँ भुगत रहे हैं वो कश्मीर में नहीं है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। कश्मीर को वहाँ जाने के बाद जो हमने समझा और देखा वो यहाँ रहते हुए पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी हम नहीं समझने पाए थे। वहाँ आदमी सड़क पानी के लिए भी बाहर निकलता है तो उसको गोली खानी पड़ती है, यहाँ हमें डंडे भी नहीं लगते दिल्ली के अंदर और जम्मू में, ये बात है ना, ठीक है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा और राजनाथ सिंह जी से ज्यादा काबिल व्यक्ति इस चीज को देखने के लिए और जिम्मेवारी के रूप में भी, होम मिनिस्टर है, घर के आदमी है, होम का अर्थ घर का होता है ना, घर के आदमी, घर का आदमी फॉर कश्मीर, खत्म हो रहा है घर के कश्मीर के लिए वो घर के आदमी हो सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ, तो घर का व्यक्ति घर के ही व्यक्ति से बात करने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है, आखिर कब दरवाजा खुलने को उम्मीद कर सकते हैं? छोटा सा जवाब। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग को कुछ वेट करना चाहिए, ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे वोरा साहब ने बताया कि राजनाथ सिंह काफ़ी केपेबल आदमी हैं और उनकी काफ़ी चिंताएं, वो बहुत चिंतित हैं इससे लेके जो हमने उनको गेज किया है, ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर तो ये होगा कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट होना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि, मैं भी नहीं चाहता, खुद वो भी नहीं चाहते, राजनाथ सिंह भी नहीं चाहते और वहाँ की जनता भी नहीं चाहती। तो मैं समझता हूँ उससे पहले उन लोगों, वहाँ के लोगों को समझ लेना चाहिए कि इसको उनके साथ कोऑपरेट करें जी। और इसको रोकने की कोशिश करें जी। सब मिलके तभी ये कोई हल इसका निकल पाएगा। बातचीत ही एक मसला है, फिर उसके बाद में बातचीत हो आर्मी डिप्लॉयमेंट के बाद तो इसी की। देखिए, कश्मीर जो है भारत का एक अटूट अंग है और ये स्थिति जो है जिस तरह की चल रही है ये बहुत दिनों तक आगे अलाउ नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। एक लास्ट कमेंट सुशील जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से बातचीत अब आगे बढ़ी है किस प्रकार से सोल्यूशन आगे निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि बहुतायत में वहाँ के आवाम भी ये चाहती कि भाई नॉर्मलसी अब आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको हवा देने में लगे हुए हैं। आपको राजनाथ सिंह जी की ये विजिट से क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भरोसा दिया है उससे क्या लगता है, कितना विश्वास बहाली का माहौल बनता नजर आ रहा है घाटी के लोगों के लिहाज से?
कितनी विश्वास बहाली का माहौल बना है या बनेगा, ये राजनाथ सिंह जी स्वयं वहां धरातल पर देख करके आकर के बताएं तो उनके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वहां धरातल पर क्या हो रहा है और आगे कितना और बिगड़ सकता है, ये हमको यहाँ बैठे थोड़ा बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो पहली प्राथमिकता ये है कि वहां जो स्टेट रिसीड कर गया है, स्टेट ने जो ग्राउंड कंसीड किया है जी, जो धरातल खोया है, उस आधार को सबसे पहले वापस ला करके उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा वहां की ब्यूरोक्रेसी में, वहां की पुलिस में, वहां की मीडिया में, वहां की सिविल सोसाइटी में। हमने आधार खोया है और कई वर्षों से लगातार कंसीड किया है जी, उसे वापस ला करके अपनी विश्वसनीयता पहले वहां बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस समय राज्य की, भारत राज्य की, राज्य सरकार की विश्वसनीयता अपने लोएस्ट पर, अपने लोगों के बीच एक विश्वास बहाली की जरूरत है। बस वक्त कम है लेकिन मुद्दा बहुत असर जी, अगर आप दो सेकंड ये बात नहीं भूलना चाहिए जो आमतौर पर यहाँ कहीं भी बहस में नहीं आती है और जिसका ध्यान नहीं, कि कश्मीर में काफी बड़ी और सक्षम पीस कंस्टिट्यूएंसी है और हम लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह से, और वो पीस कंस्टिट्यूएंसी इस माहौल के अंदर खत्म न हो जाए, उसको बचाना ये बहुत बड़ा काम, बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो तीनों मेहमानों के तौर पे खास तौर से ये बात साफ तौर पे निकल के आती है कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के माध्यम से जिस रास्ते को निकालने की बात लंबे समय से की जाती है, एक विश्वास बहाली की जरूरत है। उस दिशा में तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र की ओर से हो, चाहे वहां की राज्य सरकार की ओर से हो, लेकिन विश्वास बहाली के लिए अगर एक कदम, दो कदम एक तरफ से चले जाएंगे तो आगे से भी किसी का आना जरूरी है, वो हाथ थामना भी जरूरी है। और शायद यही उम्मीद हम करते हैं कि बहुत जल्दी बातचीत के माध्यम से कोई एक ऐसा सार्वभौमिक हल निकले और वहां पे जो माहौल है वो शांत होके नजर आए, कश्मीर फिर से उसी आबो हवा में या वहां के लोग उसी आबो हवा में सांस लें जिसमें वो हमेशा से सुख और चैन के साथ में लेते रहे। फिलहाल आज दो टूक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।